The number of real roots of the equation e to the power 4x minus e to the power 3x minus 4 e to the power 2x minus e to the power x plus 1 is equal to 0 is equal to. So, यहां पर हम क्या कंसिडर कर लेंगे, पुट ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू टी, और आपको पता है टी क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, क्योंकि ई टू द पावर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. ओके, सो यहां पर क्या हो जाएगा, टी टू द पावर फोर माइनस टी टू द पावर थ्री माइनस फोर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. राइट, अब टी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं अगर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस फोर माइनस वन बाय टी प्लस वन बाय टी स्क्वायर. क्या करा हमने, इस इक्वेशन को टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हमने, क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को टी स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया. सबसे पहले क्या करा, ई टू द पावर एक्स की जगह टी पुट करा, है ना, और ई टू द पावर एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी कि टी जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा. फिर हमने पूरी इक्वेशन को टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये मिल गई हमको इक्वेशन. अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दे, टी स्क्वायर के पास हमने क्या लिया है, वन अपॉन टी स्क्वायर को लिया है, माइनस कॉमन लेके इस टी और वन बाय टी को भी हमने पास पास कर दिया, ठीक है. उसके बाद बचा ये माइनस का फोर इज इक्वल टू जीरो. राइट, अब टी प्लस वन बाय टी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा, या तो टू होगा या टू से बड़ा होगा. इसको हम अल्फा कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, अल्फा कंसिडर कर लिया, ठीक है. तो यहां पर क्या आ जाएगा साहब, इसमें हम एक चीज और कर देंगे, टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी स्क्वायर प्लस टू माइनस टू आप यहां पे लिख दो, और यहां पर आपका था माइनस टी प्लस वन बाय टी, और लास्ट में था आपका माइनस फोर. राइट, अब ये वाले तीनों टर्म्स मिलकर के क्या बन गया, टी प्लस वन बाय टी होल स्क्वायर बना, ठीक है, माइनस टू, और ये बना आपका टी प्लस वन बाय टी और माइनस फोर. राइट, सो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, अल्फा रख देंगे, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, और ये हो गया माइनस का सिक्स. ओके, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम फैक्टर कर देते हैं, तो दो वैल्यूज हमको मिलेगी अल्फा की, फर्स्ट आ जाएगी थ्री एंड सेकंड आ जाएगी माइनस टू. अब चूंकि हम जानते हैं अल्फा जो है टी प्लस वन बाई टी था, जिसको हमने बताया था कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, क्योंकि टी क्या है, ई टू द पावर एक्स है और टी जीरो से बड़ा है, ठीक है. जब टी जीरो से बड़ा है तो टी प्लस वन बाई टू भी जो है वो ग्रेटर देन टू होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू टू होगा. राइट, यानी कि अल्फा जो है वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ठीक है ना, नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो ये वाली टर्म तो आपकी रिजेक्ट हो गई, ठीक है. तो यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, दो आनी चाहिए या दो से बड़ी आनी चाहिए, तो अल्फा यहां पर क्या आ रही है, थ्री आ रही है वैल्यू, तो हमने अल्फा की वैल्यू थ्री ले ली. अब अल्फा की जगह क्या है, टी प्लस वन बाय टी है, तो हमने वो पुट कर दिया. अब देखो ये क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ये, ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन रही है. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या होंगे, यहां पर नंबर ऑफ रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स वो आपके हो जाएंगे टू, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो ही रूट निकलेंगे, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट होंगे. तो अपने से यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ रियल रूट्स ही पूछा है, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स आपके क्या हो गए, दो हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो बी इन आर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू लैम्डा इज इक्वल टू जीरो एंड अल्फा एंड
गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 10x + 27 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, देन बीटा गामा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन आपको दे रखा है x² - x + 2λ इज इक्वल टू जीरो। अब अल्फा एंड बीटा यहां पर इसके क्या हैं, रूट्स हैं, तो एक्स की जगह हम अल्फा रख सकते हैं, सो α² - α + 2λ इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, राइट। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन हमको दे रखी है 3x² - 10x + 27λ इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां भी हम क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह हम अल्फा पुट कर सकते हैं, क्योंकि एक रूट अल्फा है इस इक्वेशन के लिए और इस इक्वेशन के लिए भी एक रूट आपका क्या है, अल्फा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3α² - 10α + 27λ दैट इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4। फिर इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, 3α² - 3α + 6λ इज इक्वल टू जीरो। हमने क्या करा, ये इक्वेशन नंबर 2 है इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, तो क्या आया, 3α² - 3α + 6λ। और से फोर्थ इक्वेशन एज इट इज आप यहां पर लिख लो, 3α² - 10α + 27λ इज इक्वल टू जीरो। अब इनको हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7α - 21λ इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर 7α = 21λ, 7 से 21 कटा 3 बार, सो α = 3λ। तो यहां पर रख दिया हमने, इसमें अल्फा अल्फा की फॉर्म में ये लिखी हुई है ना, तो इसमें रख दो आप इक्वेशन 2 में, तो 3λ² माइनस 3λ + 2λ इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अल्फा इज इक्वल टू 3λ आ गया था हमारे पास, है ना। तो या तो आप इक्वेशन 4 में रख दो वैल्यू, या इक्वेशन 2 में रख दो। तो हमने इक्वेशन 2 में पुट करी है, तो अल्फा की जगह हमने 3λ रखा, तो 3λ² आ गया, अल्फा की जगह 3λ रखा तो -3λ आ गया, और +2λ एज इट इज, तो 3λ² तो आपका बना 9λ² माइनस यहाँ से आया लेमडा इज इक्वल टू जीरो, लेमडा कॉमन ले लो, और यहाँ आएगा आपके पास 9λ - 1, ठीक है। तो लैम्डा की एक वैल्यू 0 आ गई और लैम्डा की एक वैल्यू 1/9 आ गई। अब हम जानते हैं कि लैम्डा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/9 आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में, देखो आप, राइट। सो हमारे पास यहाँ एक टर्म आ रही है 1/9 और एक आ रही है वैल्यू 0, तो 0 तो हो नहीं सकता अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो उसको हम छोड़ देंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/9, राइट। अब हम क्या जानते हैं, 3α = 3λ है, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, लैम्डा की वैल्यू 1/9 पुट करने से अल्फा की वैल्यू आ गई 1/3, ओके। अब जो इक्वेशन 1 है, अब जो इक्वेशन 1 है आपकी क्वेश्चन में ये वाली, इसमें हम अल्फा प्लस बीटा चेक कर लें, कितना है अल्फा प्लस बीटा साहब, वो होता है फॉर्मूला -b/a, तो -b, तो b की वैल्यू यहाँ पर -1 है और a की वैल्यू 1 है, तो ये 1 के इक्वल आ गया। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या मिला आपको, 1 मिल गया साहब, राइट। सो अल्फा प्लस बीटा आपको 1 मिल रहा है, और अल्फा की वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ से आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 - 1/3 डेट इज इक्वल टू 2/3। सिमिलरली अल्फा प्लस गामा आप निकालोगे सेकंड इक्वेशन से, क्योंकि इसके रूट्स क्या है, अल्फा और गामा है,
तो अल्फा प्लस गामा वही माइनस सी बाय ए आएगा, माइनस बी बाय ए फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर बी की जगह क्या है, माइनस टेन है, तो ये हो गया माइनस माइनस टेन बाय ए आपका थ्री है, तो यहां से आ गया टेन बाय थ्री, यानी कि अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा आपके पास क्या आ गया, टेन बाय थ्री आ गया। अल्फा की वैल्यू वन बाय थ्री है, तो हम यहां से गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। टेन बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री दैट इज इक्वल टू नाइन बाय थ्री दैट इज इक्वल टू थ्री। सो गामा की वैल्यू आपके पास आ गई थ्री, राइट, गामा की वैल्यू थ्री आ गई, बीटा की वैल्यू टू बाय थ्री आ गई, और अल्फा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वन बाय थ्री। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू हमारे पास आ गई, और लैम्डा की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, वो आपकी आई थी वन बाय नाइन, राइट, लैम्डा की वैल्यू आ गई थी वन बाय नाइन। अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, आपको फाइंड आउट करना है बीटा गामा अपॉन लैम्डा की वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू टू बाय थ्री थी, गामा की वैल्यू वन बाय नाइन थी, एक सेकेंड, लैम्डा की वैल्यू थी वन बाय नाइन, गामा की वैल्यू एक बार देख लेते हैं हम इधर क्या थी, थ्री आ रही है, ठीक है ना, गामा की वैल्यू थ्री और लैम्डा की वैल्यू वन बाय नाइन, टू थ्री से थ्री कटा और ये नाइन ऊपर आ गया, तो ये आ गया एटीन, इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, एटीन आ रही है। तो फाइनल आंसर आपका क्या है, एटीन है। ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो ये इंटीजर में आपका आंसर आ गया।